Cherry Orchard by Chekhov. English इसे Chekhov कहते हैं, मैं इसे Chekhov कहता हूँ because local Russians इसे Chekhov कहते हैं. Line to line translate करेंगे text of Cherry Orchard. Chekhov is clever, friendly and modern writer. क्लेवर है, फ्रेंडली है अपनी टेक्स्ट में, राइटिंग में, एंड मॉडर्न. मॉडर्न की एक एग्जांपल, पहले ग्रीक ड्रामास में या तो लाइफ ट्रेजिक दिखाई जाती या कॉमिक दिखाई जाती. शेक्सपियर ने आकर बताया कि लाइफ के कुछ पार्ट्स ट्रेजिक, कुछ पार्ट्स कॉमिक हैं, मजाहिया है. उसे हम कहते हैं ट्रेजडी प्लस कॉमेडी, जैसा कि विंटर्स टेल थी. Chekhov इज क्वाइट मॉडर्न बिकॉज ऑफ उसने लाइफ को एट द सेम टाइम ट्रेजिक एंड कॉमिक दिखाया है. आपका हाथ का औजार गुम हो जाए, आप उस पर दुखी होते हैं. एक छोटे बच्चे का खिलौना गुम हो जाए, वो भी उतना दुखी होता है. लेकिन छोटा बच्चा मुजहका खेज है, वो कॉमिक है. इसी तरह अगर हम वाइड प्रॉस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें साइंटिस्ट बाज़ुकात मुजहका खेज नज़र आएगा, स्कॉलर मुजहका खेज नज़र आएगा, और मजहबी स्कॉलर वहाँ पर हमें जज्बाती नज़र आएगा, दीवाना नज़र आएगा. तो दिस इज़ अ क्वाइट मॉडर्निटी कि लाइफ इज एट द सेम टाइम ट्रेजिक एट द सेम टाइम कॉमिक. दिस इज नॉट द व्यू ऑफ Chekhov. ये Chekhov का व्यू नहीं है. दिस इज द इंप्रेशन ऑफ Chekhov. Chekhov की टेक्स्ट का इंप्रेशन ऐसा है, नोइंगली और अननोइंगली. ओके, टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं तो आप हाईली बोर होते हैं. बोर, बोरिंग टेक्स्ट है बिकॉज ऑफ रियलिज्म. पहले राइटर का व्यू होता था कि रियलिस्टिक एलिमेंट व्यू ये है कि मैन इज द ब्लेंड ऑफ वाइसेस एंड वर्चूज, अच्छाई और बुराई का ब्लेंड है. ये एक राइटर व्यू देता था. राइटर अब व्यू नहीं देगा, बस के बल्कि उसकी अपनी जो टेक्स्ट है, राइटिंग है, उससे खुद ही एक्सपोज हो जाएगा रियलिज्म. जैसा कि रियलिस्टिक करेक्टर लिए हैं, बहुत बूस्टेड नहीं, बहुत ट्रेजिक नहीं, बहुत कॉमिक नहीं, रियलिस्टिक. लाइफ में हम एकदम कॉमिक नहीं होते, एकदम ट्रेजिक नहीं होते. उसने रियलिस्टिक करेक्टर लिए हैं, तो ये रियलिस्टिक करेक्टर बोर करने के लिए काफी है हमें. उनके डायलॉग भी बोरिंग है. क्यों? रियलिस्टिक डायलॉग है. हम रियल लाइफ में बड़ी बड़ी शेक्सपियर जैसी बातें नहीं करते. वी आर नॉट फिलोसफर्स, वी आर कॉमन पीपल. तो डायलॉग भी कॉमन है, रियलिस्टिक है, बोरिंग है. फिर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये रियलिस्टिक राइटर है और इसकी टेक्स्ट में रियलिज्म पाई जाएगी, आपने नोट करनी होगी. करेक्टर्स आर एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल, एट द सेम टाइम पैशनेट, जज्बाती इतने कि ब्लाइंड पैशनेट हैं. बोर फ्रॉम रेपिटेशन, उनको कोई बात दोबारा बताई जाती है, वो उस बात को खातर में नहीं लाते, कोई और बात करने लग जाते हैं. जैसे कि एक करेक्टर को दूसरा करेक्टर कह रहा है कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, तो वो कहते हैं तुम्हारी जो हेयर पिन है इसकी शक्ल शहद की मक्खी जैसी नहीं है. तो रेपिटेशन, बार बार बातों से बोर हैं करेक्टर. रियल पीपल विद रियल प्रॉब्लम्स, हमारी जिंदगी में सारे रेप के प्रॉब्लम नहीं हैं, सारे खुदकुशी के प्रॉब्लम नहीं हैं, रियल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है. तो रियल पीपल विद रियल प्रॉब्लम्स. अच्छा, अवॉइड टू मच इंफॉर्मेशन. राइटर ने, ये भी रियलिज्म है,
राइटर ने अपनी टेक्स्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखी। नो लवी डवी एक नई टर्म है, लवी डवी, कोई यहां पर मोहब्बतें और फिर कोई शायस्ता मोहब्बतें, कोई मक्खन जैसी करीम जैसी कोई हीरोइन नहीं है। नो लवी डवी, जैसे कि रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ लाइफ में लवी डवी नहीं होता। अच्छा, राइटर ने इस रियलिज्म के जरिए क्या किया, अपने रीडर का टेम्परामेंट बनाया कि वो रियलिस्टिक और बोर चीजों को सुने, अपने आप को जाने, एक्सपेक्ट ना करें कि कोई बड़ी बूस्टेड बात की जाएगी। अब जब ये बातें आपके जहन में आई तो आपको पता चल गया शेख हफ इज क्लेवर, शेख हफ इज क्लेवर, ही इज फ्रेंडली, ही इज रियलिस्टिक, ही इज क्वाइट मॉडर्न। और इस बात पर मैंने कहा है कि उसकी सारी टेक्स्ट बोरिंग है, क्यों, बिकॉज ही इज रियलिस्ट, और रियलिज्म और रियलिस्टिक लाइफ में एवरीथिंग इज कॉमन ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसफर। हर शख्स फिलोसफर नहीं है। व्हाट वी हैव टू नोट डाउन, देयर आर 9 पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू नोट डाउन ड्यूरिंग आवर स्टडी ऑफ टेक्स्ट ऑफ चेरी ऑर्चर्ड। नोट करते जाएंगे अपने साथ, कोई खाली पेज बुक का खाली पेज नोट डाउन। फर्स्ट, इज दिस अ कॉमेडी और ट्रेजेडी, पहली चीज जो नोट करनी है, इज दिस अ कॉमेडी और ट्रेजेडी। टू, हाउ द राइटर मेक्स अस अटेंटिव, राइटर अपनी टेक्स्ट के अंदर हमें एंगेज कैसे कर लेता है, हमें अटेंटिव कैसे करता है। थ्री, चेंज, ओल्ड रशिया से न्यू रशिया तक की चेंज, चेंज का लफ्ज लिख लें, हिस्टोरिकल चेंज लिख सकते हैं। फोर, फीलिंग्स, आय हाय हाय, कॉमन फीलिंग्स, सिर्फ फीलिंग्स लिखेंगे, कॉमन फीलिंग्स, ओके, जो डोमेस्टिक रियल लाइफ में फीलिंग्स आती हैं वो। फैमिली, यहां फैमिली का कंसेप्ट देखेंगे कि फैमिली की कैसी फीलिंग्स हैं, फैमिली का कैसा रिलेशनशिप है, फैमिली सिर्फ लिखेंगे। लैंग्वेज, आप इस ड्रामा की लैंग्वेज को नोट डाउन करेंगे, इज दिस अ मॉडर्न लैंग्वेज, ये एक्सप्रेशन मॉडर्न है। सेवन, थिंग्स ऑलरेडी वी न्यू, चीजें जो हम पहले से जानते होते हैं, नई चीजें नहीं बताता, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वही चीजें दोबारा बताई गई। एट, इट इज एन एक्सपीरियंस, इस ड्रामा को पढ़ना बस एक एक्सपीरियंस से गुजरना है। नाइन, बोर्जियस क्लास, बी ओ यू आर जी ई ओ आई एस, बोर्जियस क्लास यानी कि मिडिल क्लास, यानी कि वो क्लास जो मनी के लिए, मटेरियल के लिए स्ट्रगल करती है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेक्स्ट, उम्मीद है कि आपने करैक्टर्स तैयार किए होंगे, मुंह से बार बार बोले होंगे। अगर आपको करैक्टर्स प्रिपेयर नहीं हैं तो आप नेक्स्ट टेक्स्ट रीड करने से पहले एक बार फिर श्योर करें। रही सही कसर, वो जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो डायलॉग के साथ आपको करैक्टर पुख्ता हो जाएंगे। एक्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन वेदर सीन, और इसे कहते हैं एक्सप्रेशनिस्ट, एक्सप्रेशनिस्ट किस तरह एक्सप्रेस करता है, असर डालता है। अर्ली डाउन, बहुत सुबह, द ओल्ड नर्सरी,
फार्म हाउस है, एक ऑर्चर्ड का बाग है, ऑर्चर्ड चेरी का एक बाग है। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? बाग होता है, बागीचा होता है। चेरी फ्रूट का नाम है, चेरी ऑर्चर्ड यानी कि चेरी वाला बाग, बागीचा। नर्सरी का मतलब भी वही बागीचा है, बाग है। विद सेवरल डोर्स, बहुत सारे दरवाजे हैं। वन ऑफ देम टू एनियाज बेडरूम, और एक दरवाजा खुलता है एनिया के बेडरूम में। एनिया 17 इयर्स ओल्ड, एक लड़की है। आउटसाइड देयर इज फ्रॉस्ट, बाहर क्या है? कोहरा पड़ रहा है। ऑन द चेरी ऑर्चर्ड, चेरी ऑर्चर्ड पर कोहरा, फ्रॉस्ट, बर्फ की छोटी छोटी ऐसे कटलेट्स होती हैं, छोटी छोटी ऐसे पीसेस होते हैं। हाँ, फ्रॉस्ट जब पड़ती है तो हर चीज़ को ढांप लेती है, खौफनाक वो सर्दी होती है। तो फ्रॉस्ट इज द सिंबल ऑफ ऑटम, डेथ। तो चेरी ऑर्चर्ड इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, प्लेयर्स। तो एक्सप्रेशन देखें कैसा डला है कि चेरी ऑर्चर्ड के ऊपर फ्रॉस्ट पड़ रही है। एंड देयर आर मैनी डोर्स, समझो कि एक बड़ी एस्टेट है, एक बड़ा घर है। तो दिस इज हिस्टोरिकल समथिंग। आप जब रशियन कल्चर को देखते हैं, उनके बड़े बड़े जब वो घर देखते हैं, किन के? अरिस्टोक्रेट्स के। जब घर देखते हैं तो उसमें सारा वुड का काम होता है। आज भी वो वुड के बने हुए बड़े बड़े घर जिनके अंदर 100-100 रूम होते हैं, और वो बड़े बड़े उसके अंदर लकड़ियाँ लगी होती हैं, बड़े बड़े वुड का काम होता है, आज भी लोग उसको एज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग के तौर पर देखने जाते हैं और इंथ्रॉल्ड हो जाते हैं उससे। ओके? तो यहां पर वो ये हिस्टोरिकल एलिमेंट भी आ गया और एक्सप्रेशनिस्ट के तौर पर सामने आया राइटर, और हमें एट द सेम टाइम सैम्पल भी दे गया, समथिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, समथिंग इज वैनिशिंग, चेरी ऑर्चर्ड बिकने जा रहा है। ओके? किसी का चेरी ऑर्चर्ड बिकने जा रहा है। बिकने क्यों जा रहा है? बिकॉज रशिया के अंदर एक चेंज आ गई है, रेवोल्यूशन आ गई है, कि नीचे वाली क्लास ऊपर आ रही है और अरिस्टोक्रेट से उनकी एस्टेट्स छीन ली गई हैं। वेरी गुड। लोपाखेन, लोपाखेन, ओके, लोपाखेन फर्स्ट लॉग, ये बोर्जिस मिडिल क्लास है, लोअर से मिडिल क्लास में ये शख्स आ चुका है, एक पीजेंट का, देहाती का, एक किसान का बेटा है लोपाखेन। इट्स हेयर, इज इट? हाँ ये है। हाँ क्या हुआ? थैंक गॉड, ओ खुदाया, और व्हाट्स द टाइम? वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है? दिस इज फनी समथिंग, कॉमेडी। नींद से उठा है 2 बजे और इसकी छोटी छोटी दाढ़ी है, सर से थोड़ा सा बाल्ड है, बाल है इसके, और एकदम से उठता है, कहते हैं ओह क्या वक्त हुआ है। देन योशा, ये मेड सर्वेंट है इसी घर के अंदर, मेड सर्वेंट है इसी घर के अंदर। ये घर कहाँ पर है? रशिया में है। ये घर किससे जुड़ा हुआ है? चेरी ऑर्चर्ड से। ये घर बड़ा है, ये घर बड़ा है, ये घर किसका है? किसी अरिस्टोक्रेट लेडी का है। क्या नाम है उस अरिस्टोक्रेट लेडी का? मिसेस लाइबोफ रेनविस्की। ओके, मिसेस लाइबोफ, एफ की आवाज, लाइबोफ रेनविस्की का घर है, जो आ रही है कहाँ से? फ्रांस से आ रही है। कहाँ आ रही है? रशिया में। रशिया उसका अपना घर है। ओके, डेनियाशा, हु इज डेनियाशा? मेड सर्वेंट। नियरली टू, अ लाइट ऑलरेडी, 2 बज रहे हैं तकरीबन, और रोशनी भी है, हालांकि 2 बजे कौन सी रोशनी होती है? ठीक है, नहीं कोई सूर्य निकले, वैसे ही वो कह रही है। शी इज बिट फुलिश, और कॉमिक एलिमेंट है। शी ब्लोज आउट द कैंडल, उसने कैंडल भी बुझा दी। लोपाखेन, ट्रेन मस्ट हैव बीन 2 आवर्स लेट, ट्रेन लाजमी 2 घंटे लेट हुई होगी। क्यों भाई? कॉमिक एलिमेंट है,
ये 2 घंटे लेट उठा है तो कहते हैं।